उपस्थित हरीश खुराना जी, सारिका जी और सभी मीडिया के मित्रों को मेरा नमस्कार। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का एक बार फिर घिनौना दंगाई चेहरा सामने आया है। कल स्पेशल कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को दोषी करार दिया है और आरोप है कि उन्होंने दंगा भड़काया, दंगे के लिए उकसाया भीड़ को और पुलिस पर्सनल के साथ मारपीट की। एक बार फिर आम आदमी पार्टी की दंगाई मानसिकता, झूठ बोलने की मानसिकता सब लोगों ने देखी है और ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी कहते थे 2014 में कि नो क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन करप्शन, स्वयं उन्होंने कहा था। और आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी, एक गुंडा पार्टी बन गई है जो पुलिस, कानून, संविधान सभी की धज्जियां उड़ाते हैं। अभी देखा है सबने कि किस तरह इनके दो विधायक, और यही दो विधायक नहीं, पंजाब में एक मंत्री के घर पर, इनके घर पर कैश पकड़ा जाता है, भ्रष्टाचार में ये लिप्त है, इनके पदाधिकारी ड्रग सप्लाई में पकड़े जाते हैं। पंजाब के अंदर इनके आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी ड्रग सप्लायर के रूप में काम करते हैं। ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी पदाधिकारी बनाती है। और सिर्फ यही नहीं, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक हो, अमातुल्ला खां हो, ताहिर हुसैन हो, वो भी दंगों के आरोप में, फ्रॉड करने के आरोप में 420 में इन सब मामलों के अंदर उनके ऊपर गंभीर आरोप ही नहीं लगते, क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की बात करते थे, जो आज जाकर 7 वर्षों में इनका सफर स्वराज से शुरू हुआ, स्वराज से शुरू होकर भ्रष्टाचार पर आए, शराब पर आए, स्वराज से शराब और शराब से भ्रष्टाचार, ये आम आदमी पार्टी का एक चेहरा बन गया है, एक उनकी काम करने की तरीका बन गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो एमएलए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, आपराधिक मामले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए के ऊपर चल रहे हैं। ये जो कल माननीय कोर्ट ने जो उनको दोषी करार दिया, दो विधायकों को, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इनके विधायक अमातुल्ला खां को बीसी करार दिया, एक मंत्री जो फर्जी डिग्री में मंत्रिमंडल से बाहर किए गए, एक मंत्री हवाला के साथ आर्थिक अपराध में जेल के अंदर बंद है, एक इनके मंत्री रिश्वत लेते हुए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री जेल में बंद है, और ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जिसमें स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी है। उनके ऊपर 13 केसेस चल रहे हैं, 12 केसेस अमतुल्ला खां के ऊपर हैं, इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर भी 3 केस हैं, इनके जो विधायक हैं दिनेश मोहनिया है, अब्दुल रहमान है, सत्येंद्र जैन, इनके ऊपर भी चल रहे हैं केस। ये वो मंत्री हैं जो, ये वो विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं।
ये मैं उन विधायकों की लिस्ट बता रहा हूँ, सोमनाथ भारती, गुलाब सिंह, इसमें अखिलेश पति त्रिपाठी का भी नाम है, मदन लाल का भी नाम है। ये आम आदमी पार्टी की चेहरा बयां कर रहा है। मित्रों, मैंने बहुत सुना है, एक बहुत पहले विज्ञापन आता था, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, अरविंद केजरीवाल लोग घटिया पसंद, झूठे लोग झूठी पसंद, भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचारी पसंद। ये आज झूठ और भ्रष्टाचार का पर्याय यानी अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये छाती ठोक कर कहते थे हम तो ऑटो में चलते हैं, हम तो आम इंसान की तरह हैं, लेकिन वही आम इंसान और ऑटो में चलने वाले चार्टर्ड प्लेन में चल रहे हैं, गाड़ी बंगला सुरक्षा नहीं लेने की बात करने वाले आज बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, सुरक्षा ले रहे हैं। ये उनका असली चेहरा आज दिल्ली और देश की जनता देख रही है कि किस तरह झूठ बोलने की पराकाष्ठा ये आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। गुंडा पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई है, आम आदमी पार्टी गुंडा पार्टी की तरह गुंडों को संरक्षण दे रही है। यहाँ पर विधायक की टिकट लेने वाले, विधायक बनने वाले गुंडागर्दी में लिप्त हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये माननीय अदालत कह रही है, माननीय अदालत का निर्णय है। तो इसलिए इनका चेहरा सामने आ गया है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये मांग करता हूँ कि पहले इन दोनों विधायकों को पार्टी से ही सस्पेंड नहीं बल्कि विधायक पद से भी उनको इस्तीफा देना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी मंत्री जो जेल में बंद है उनको भी उन्होंने अभी ना तो मंत्रिमंडल से निकाला ना पार्टी से निकाला। इससे पहले भी इनके विधायकों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं लेकिन बावजूद उसके भी इन्होंने उन्हें पार्टी से भी नहीं निकाला। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आम आदमी पार्टी गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है और आम आदमी पार्टी जो ड्रग सप्लायर हैं उनको भी संरक्षण देने वाली पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद।